अपनी भूमिका संतुष्ट हूँ, लेकिन सितारों के आगे जहाँ और भी है, इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा मुखर होने की और काम करने की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही और पार्टी में उनकी भागीदारी, इन विषयों पर उनका मार्गदर्शन रहेगा कि राजस्थान में वो सब पोटेंशियल है कि राजस्थान में हर बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पिछले दिनों 7 नवंबर को संपन्न हुई थी और उसमें देश भर के कार्यक्रमों की, रीति नीति की और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी और उसी में निर्देश था कि प्रदेश की कार्य समिति भी यथासमय हो जाए। उसी क्रम में 4 दिसंबर को और 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की, क्या हुआ, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति जयपुर में संपन्न होगी। उसमें 5 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश की इकाई ने किया है। कार्य समिति के समापन के अवसर पर देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी शिरकत करेंगे, उनका मार्गदर्शन संबोधन मिलेगा और 5 तारीख को ही कार्य समिति के समापन के बाद प्रदेश के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लगभग 10,000 की संख्या के, जो बहुत नीचे से ग्रास रूट के जनप्रतिनिधि से लेके सांसद और विधायक तक, उसमें सब लोग शामिल होंगे। एक विशेष कार्यक्रम जिसमें जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही और पार्टी में उनकी भागीदारी, इन विषयों पर उनका मार्गदर्शन रहेगा। तो ये 2 दिन का कार्यक्रम जिसमें कार्य समिति 4 तारीख को हम लोग प्रारंभ करेंगे और पार्टी की संगठनात्मक समीक्षा, आगामी कार्य योजना और पार्टी आगे किस तरीके से किसान कर्जा माफी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को लेके एक शुरुआत उपखंड स्तर पर हुई है, ज़िलों में भी, और उसके बाद प्रदेश का एक बड़ा प्रदर्शन जिसकी तैयारी हमें यथासमय करनी है, उन सब की एक विस्तृत चर्चा इस 2 दिन की कार्य समिति में होगी। देश में मोदी जी के कार्यकाल को 7 वर्ष पूरे हुए और इस दौरान मोदी सरकार ने जितने लोक कल्याण के काम किए हैं, उन लोक कल्याण के कामों को घर घर दस्तक देने के लिए किस तरीके से हम लाभार्थियों तक और मतदाताओं तक, आम लोगों तक पहुँचें, उन लोक कल्याण की नीतियों को हम लोग पहुँचाएँ, उस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर 2 दिन की कार्य समिति जिसमें संगठन की विस्तृत समीक्षा और आगामी कार्य योजना, इस पर पूरे विस्तृत तरीके से इसमें चर्चा होगी। विशेष बात इसकी यही रहेगी कि हम लोगों ने मांग की थी कि अमित शाह जी का हमें समय मिले, उनका मार्गदर्शन मिले और मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान की इकाई के आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया है। राजस्थान की जनता को, राजस्थान के कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को अमित शाह जी के संबोधन का लाभ मिलेगा। इसका कोई पैमाना नहीं है, राजनीति है, इसमें विकृति और संस्कृति रहेगी, लेकिन मैं पहले भी अपना मंतव्य जाहिर कर चुका हूं कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, बरसों बरस तक काम किया, इसलिए इच्छा ये रहती है कि पार्टी के संगठन का विस्तार हो, पार्टी नीचे तक मजबूती से काम करे और स्वाभाविक रूप से जब राजनीति में है तो ये वाजिब है कि राजस्थान में वो सब पोटेंशियल है कि राजस्थान में हर बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो सकती है और इस लिहाज से हम लोगों ने संगठन और राजनीतिक तौर पर पार्टी को मुखर करने के लिए, मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा विचार है, उसके लिए हमें समय समय पर केंद्र के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता रहती है। तो मैं अपनी भूमिका से पूरे तरीके से इसलिए संतुष्ट हूँ कि राजस्थान की जनता ने जो अपेक्षा की वो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ज़मीनी स्तर पर काम करता है, उनके बीच में मैं निरंतर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। कोरोना के कालखंड में संक्रमण के बावजूद भी, उन चुनौतियों के बावजूद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मिलकर अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर यदि आकलन किया जाए तो मैं अपनी भूमिका से संतुष्ट हूँ, लेकिन सितारों के आगे जहाँ और भी है, इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा मुखर होने की और काम करने की जरूरत है। वसुंधरा राजे अभी धार्मिक यात्रा पर निकली हुई है, क्या इस यात्रा पर आप लोगों के रूप में देखते हैं इसको, वो कह रही है राजनीतिक यात्रा नहीं है, धार्मिक यात्रा है और केवल इसी रूप में देखा जाए? उसके बारे में इतना ही कहूंगा कि वसुंधरा जी हमारी देश और प्रदेश की आदरणीय सम्मानित नेता हैं,
और उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए।